1.5 लाख रुपए मेरे खर्च कर दिए तूने यार, पागल है तेरा दिमाग खराब है। तो गाइस आपको ये प्रैंक कैसा लगा? पल तो मैं आज लेके आई हूँ एक ही बहुत ही मजेदार धमाकेदार प्रैंक। तो अपने ब्लॉग चैनल से अगर आप रिटायर हुए हैं तो बहुत बहुत वेलकम, और अगर आप नए हो इस चैनल पर और फंकी कपल चैनल अभी तक नहीं देखा तो ये प्रैंक पूरा देखो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज मैं कौस्तुभ को बोलने वाली है कि मैंने मैकबुक प्रो खरीदा है जिसके लिए मैंने उसकी 2 लाख की FD तोड़ दी है। अभी हम राजस्थान ट्रिप से आए हैं, वैसे ही बहुत सारा खर्चा करके आए, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने प्रैंक के चक्कर में, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, मैकबुक प्रो के चक्कर में उसकी FD तोड़ दी है, तो उसके रिएक्शन देखने जाए लायक हो गए, क्या पता कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी पेल दे। तो हम अब क्या, वो गया है सामान लेने, मैंने व्लॉग में जैसे बताया था सामान लेने गया है, वो आता होगा। उससे पहले मैं कैमरा वैमरा सेट कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना उसको पता चल जाएगा कि ये सब प्रैंक है, और हम करेंगे शुरुआत। तो बस मैं करने वाली हूँ एक किसी से फ़ोन पे बात, ताकि उसे मैं बता सकूँ कि यार मैंने ऐसा किया, और कौस्तुभ को सुनाने वाली हूँ सारी बातें, फिर हमें रिएक्शन नोट करना है, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट उसका फेवरेट गिफ्ट लेने, और उसके रिएक्शन देखने लायक हो गए। मतलब मैं पहली बार उसे कुछ ऐसा गिफ्ट दे रही हूँ गाइस, सो बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। तो आप इससे बिल्कुल ये वीडियो एंड तक देखना, इसका व्लॉग भी जरूर देखना, कितना खुश हो जाएगा उसका गिफ्ट देख के। चलना चलो, अब मैं कैमरा छुपा देती हूँ ताकि वो आ ना जाए, और प्रैंक में मिलते हैं। दो लाख की FD थी। हाँ तो देर का है, या फिर ऊपरी खर्चे कुछ लगेगा ना, उसका सामान वामान कुछ लेना पड़ेगा, इतना महंगा केयर भी तो करनी पड़ेगी। सही बात है। हाँ नहीं अभी नहीं पता है, अभी अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, कल वल देखते हैं, कल वल बताऊंगी। हाँ और क्या, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। हाँ सही बात है। हाँ ना, कोई बड़ी अमाउंट थोड़ी है, इतना क्या है, FD तो थी, टूट गई तो टूट गई, फिर से जमा हो जाएगी, ऐसे कौन सा कमा तो रही है, किसके लिए कमा रहे, अपने लिए तो सही। बढ़िया से 2 लाख की तो बात थी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कल मैं वीडियो डाल के बताती हूँ। हाँ बाय। क्या वीडियो किसको डाली है? हाँ क्या है, कौन था? अरे कुछ नहीं, अच्छा तुझे बताना तो था ही, चलो मैं अब बता देती हूँ। 15 दिन पहले अपन रिलायंस गए थे लैपटॉप देखने के लिए, तो देख क्या गए थे उसमें क्या है। हाँ तो फिर उसके बाद ना उनका मुझे फोन आया कि मैम एक ऑफर चल रहा है वहाँ पे, ये जब अपन राजस्थान ट्रिप के लिए निकल रहे थे ना, उसके वहाँ उसके पहले मुझे फिर फोन आया कि मैडम वहाँ पे एक ऑफर चल रहा है तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर फुल ऑन कैश पेमेंट करोगे तो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लेना चाहते हो क्या? रोपे। अच्छा गोला ढीला ले लो हमसे, 10,000 का डिस्काउंट पे ले लें कुछ भी। तो मुझे ऑफर अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, जो तेरी FD थी ना, जो भी रिसेंटली बनाई थी 2 महीने पहले, वो मैंने तोड़ दी और मैंने मतलब पेमेंट कर दिया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तुमको कैश पेमेंट कर दिया? ऑल्दो मैं तुझे सरप्राइज देने वाली थी बर्थडे के दिन। अबे तुमको तुरंत तो एक मिनट, तुमको कैश पेमेंट कर दिया, तुम पागल आ गए, तेरा दिमाग गया हुआ है क्या? 1.5 लाख का तुमने कैश पेमेंट किया है? अबे मैकबुक प्रो यार ले लेंगे भाई, लेना है आगे लेना है, पर 1.5 लाख का तुमने सीधे कैश दे दिया, तुम पागल है? FD क्या के लिए सेव कर रखी थी मैंने? वो घर लेना है मेरे को, मैंने घर के लिए पैसे बचा रहा हूँ, और तू यहाँ पे FD ले रही है, तोड़ रही है यार,
तू दिमाग खराब है तेरा गोज। अबे एफडी फिर से, अरे यार कितने टाइम के बाद तेरे पैसे जमा किए थे यार, तू दिमाग खराब है तेरा क्या? और कैश पे कौन उठाता है ऐसी बड़ी बड़ी चीजें? कोई भी चीज हमने कैश पे उठाई है क्या? बाइक तक मैंने ईएमआई पे ली थी, ये ईएमआई के बारे में सोच लेती ना, 1.5 लाख की चीज ले रही तू, पागल है तेरा दिमाग खराब है क्या? तो काय को लेना था भाई, जब कहीं आ जाता कोई ऑफर आ जाता कुछ। अरे बर्थडे के लिए पागल है तू, बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने वाली? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? ब्लॉग बनाएगी, सोच कितना वायरल हो जाएगा। वाह 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 वाह, तू क्या बोल रही है, अक्कल है। 1.5 लाख का पहले पहले खर्चा करो, और वायरल नहीं हुआ तो क्या कर लेगी तू? तो दिमाग दिमाग सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? कैश की बात है यार, तू ऐसे एकदम ऐसे रो देना, काय को रो देना यार, यहाँ तो वैसे ही रो दूंगा मैं। 1.5 लाख रुपए मेरे खर्च कर दिए तूने यार, पागल है तेरा दिमाग खराएगा? अरे यार तू बोला के कैंसिल कर, नहीं 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 पैसे वापस ले प्रियंका, नहीं नहीं पूरा हो चुका, नहीं वो वापस प्रोसेस हो चुका है कल। अरे यार क्या क्या चोरी कर रही है यार, दिमाग खराब है क्या? और ये डिस्कस क्यों नहीं किया जाता, मेरे को बताएगी नहीं तू? पैसे मेरे खर्च करवा रही हो, बता भी नहीं रही है यार। इतना तो मेरा है ना, इतना तेरा है क्या यार? अपन कोई भी चीज, अपन छोटी छोटी चीज के पहले डिस्कस करते हैं, वांट और नीड अपना पहले से डिसाइड है। इसकी वांट है ये सरप्राइज, ये सरप्राइज कुछ और चीज ले लेती है, तो कुछ और चीज सरप्राइज ले लेती, कुछ भी ले लेती। हाँ रोज ले लेती, मैं तो उससे खुश हो जाता, 5 रुपए 10 रुपए रोज से खुश हो जाता हूँ मैं, मेरे को ज्यादा कोई चाहत नहीं है। जबरदस्ती ने 1.5 लाख का लैपटॉप लिया, तूने पागल है तू यार? इच्छा थी मैकबुक प्रो लेने की भाई, अपने पास ये रखा हुआ, ये चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। पर ये क्या बुरा है क्या, प्रो प्रो कर रही है, ये भी तो मैकबुक ही है ना, चल रहा है ना, एयर है, चल रहा है। देख प्रियंका फालतू की बात मत कर, नहीं मेरे को मैकबुक प्रो सब सब सेम होते हैं, तो मैकबुक ये सारी चीजें उनको फोन लगा, नहीं अभी फोन लगा, डिसाइड कर कैंसिल करो इसको। अरे वो तो अभी बोल रहे थे आ जाओ, कैंसिल कर, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कैश मुझे मेरा नहीं, कैश मुझे मेरा वापस चाहिए यार। प्रियंका कैसा कर रहे हैं यार, तू पागल है, दिमाग खराब है क्या यार? 1.5 लाख क्या? और खरीदने के बाद बिना डिस्कशन के लेके आ गई, बात तो कर ली थी पहले, वही सेम बात लेके आई गई, 1.5 लाख रुपए दे दिए, वापस नहीं रहे। कल हम लोग ऑर्डर आपको पहुंचा देते हैं घर, तो मैंने कहा नहीं हम ही आ गए। तेरा दिमाग खराब है क्या यार, इतने महंगे ट्रिप पे गए अपन, 60-70-80 हजार रुपए अभी ट्रिप पे खर्च करके आया हूँ मैं, वो पैसे किसी और काम में यूज हो जाते हैं। अभी फालतू का प्रो लेके आ गए, ये कुछ मेरा दिमाग चलता है कि नहीं चलता है कुछ? अरे नहीं, मेरे को बोले 50% काट लेंगे, ऐसे कैसे काट लेंगे, ऐसे कैसे काट लेंगे? बात करूंगा ना मैं, कौन कोई तो हुआ। अरे यार लैपटॉप, देख मेरी इच्छा थी मैं इस बार बर्थडे मार में जाना, तेरी इच्छा कुछ भी बात कर रही है यार, तेरी इच्छा क्या होती है? 1.5 लाख रुपए खर्च करके तू तेरी इच्छा बना रही है, कुछ भी जाता कहते दिमाग में कुछ निकलता है कि नहीं सही से? सोच लेती ना पहले, पूछ लेती कि इतना खर्चा करना है कि नहीं करना है। अच्छा, जैसे मैं वो सोच समझ के बात ही नहीं करती। खर्चा करने की कुछ टाइम है क्या अभी? इतना खर्चा कुछ नहीं, दिमाग में चला फालतू का, उनसे बात कर, उनसे बोल के हमारा ऑर्डर कैंसिल करना है, पूरे पैसे वापस कर लो, अभी हमको नहीं लेना, हमको जब लेना होगा हम आपसे ले लेंगे, उसको दे देंगे, बता देंगे अपन। नहीं मेरा मन है, नहीं कैंसिल कर उसको, जल्दी बोलना, मैं तो लूंगी। मोबाइल देखो, फालतू मोबाइल मत कर अभी, सुन अभी मेरा दिमाग, अभी अभी मेरा बिल्कुल दिमाग मत जा, मेरे को सच में प्रियंका बहुत गुस्सा आ रहा है, फालतू के दिनों का जो काम किया है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे को फोन दे, मेरे से बात कुछ नहीं होने वाला, इससे इससे कुछ नहीं होना, मैं तो समझाता हूँ, मुझे मत समझाया, मुझे सब पता है, फोन दे उनसे बात कर, और तुरंत उनको बोल के ऑर्डर कैंसिल, मुझे अभी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं पता, अभी बात कर उनसे, उनसे बात कर, कुछ सोच समझ के कुछ नहीं किया तूने, मेरे को दे उनसे बात करने के, मैं सब सोच समझ के ऐसे करना चाहता हूँ फालतू की, अभी प्रियंका मोबाइल नहीं यार, मोबाइल है तेरी बात, सोच समझ के कर चुकी हूँ। अच्छा तेरे मन में क्या ख्याल आ रहा है अभी? मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, मेरे को सिर्फ अभी 1.5 लाख रुपए कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। अरे कौन सी स्टोर बोला है ना, देखो अभी दो देख लूंगा ना, ग्वालियर का जो रिलायंस डिजिटल है, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। अरे पर ऑफर तो वहाँ से आया था, इंदौर से नंबर का है इनका, अभी ये एड्रेस नहीं था उनका, मेरे को नहीं पता प्रियंका, फालतू होगा से मत, उनका नंबर तेरे पास होगा कोई ना, कुछ ना कुछ दिया होगा, दस रिप्ले कुछ नंबर से बात करें, अरे टर्म्स एंड कंडीशन उसके ले लूंगा मैं, टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रही है क्या, फालतू की बकवास कर रही है? मैंने अग्री किया, उस पे साइन करके आई हूं मैं, तो वो कैसे देगा देखो पैसा? हां जी शॉक लगा है, शॉक। मैं वहां पे वो फॉर्म भरते हैं ना, तो साइन करके आई हूं कि हम लोग वो ले लेंगे। यार तेरा
भाड़ में जाया, तू फालतू चीजें करती है यार, मेरा मूड खराब करती है पूरे का पूरा यार। बच्चे हैं ऐसे, भाड़ में जाते बर्थडे के। अच्छा सुन, मेरे को कोई बात नहीं करनी जैसे कौसम, मेरे को जैसे कोई बात नहीं करनी है प्रियंका, फालतू चीजें करती है। टूटने का तुझे मैसेज आया क्या 15 दिन पहले से? देखो एक भी मैसेज आया, बैंक का कोई कंफर्मेशन आया कि तेरी एफडी टूटी है? ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं ले लेंगे, तूने कहा था हाँ वही चीज हुई। मुझे फोन आया नेक्स्ट डे उन लोगों का कि हमें आपको अगर लैपटॉप लेना तो हमारे पास एक ऑफर है आपके अकाउंट पे, वो एप्लीकेबल हो रहा है जीरो बिना क्रेडिट कार्ड के, उन्होंने पागल है यार तू भी यार। इतना मेहनत तो क्या करने की जरूरत थी जबरदस्ती में अभी यार, नहीं चाहिए था। EMI पे हमारा डिसाइडेड था कि हम ले सकते हैं तो बस मैंने वही किया। मैकबुक प्रो पागल लड़की, चल अब लेने चलना है मैकबुक प्रो की, फोन टिक के कैंसिल कर। नहीं नहीं प्रो, नहीं मैकबुक प्रो नहीं, तुम बोले तो फोन करके अभी कैंसिल कर। नहीं ना ठीक है, कोई अभी मैंने कोई पैसे भी नहीं दिए, पूरा सिर्फ लैपटॉप लाइक के आना है और EMI भी नेक्स्ट मंथ कटेगी। पर अब अभी कितनी जा रही है? 6000। तो गाइस आपको ये प्रैंक कैसा लगा तो गाइस आपको ये प्रैंक कैसा लगा और ये प्रैंक रियल है हां, कौस्तुभ की एफडी तोड़ दी है। ओए गुड बोलिंग, गुड बोलिंग ना, दिमाग का ये दिमाग के दांत चले गए क्या तेरा? देखो दोस्तों अगर एफडी टूटती है तो इंडिविजुअल इंसान की वो लेनी पड़ती है क्या अप्रूवल, है ना, कि आपके एफडी हम सर तोड़ रहे हैं आप एग्री करते हैं क्या? ऐसे वाइफ के कहने पे नहीं, हमारी कोई जॉइंट एफडी है भी नहीं, ये वो पतलू में से नहीं है जो वाइफ के नाम पे एफडी अलग अपना वो बनाए जॉइंट पे बनाए, नाम पे सब दे रखा है मैंने बोल रही है सारी एफडी इसके नाम पे है, ठीक है मेरे नाम पे कुछ नहीं है, मैंने अपनी एफडी अलग से बनाई है। बट हमारा मैकबुक प्रो आने वाला है जो हम लेने जा रहे हैं, उसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी फंकी कपल पे शुरू कर चुकी हूँ, मैं वेट कर रही थी हमारी राजस्थान ट्रिप खत्म होने का और इसे ये सरप्राइज देने का। तो परसों ही मुझे फोन आया, मास नहीं मुझे परसों का फोन आया कि मैं पापा लैपटॉप आ चुका है, तू दिमाग चलाया और ये प्रैंक शुरू कर दिया। सो कौस्तुभ कैसा लग रहा है आपको हमारे आपके लिए मैकबुक प्रो लेने जाने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मेरा दूसरा सपना पूरा हो गया, पहले मेरे को बाइक चाहिए थी वो मैंने खरीद ली और मैकबुक प्रो बस फटाफट घर भी बन जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बन जाएगा। तो गाइस चलो हम रेडी होते हैं, कौस्तुभ अच्छा सा कोई ड्रेस पहन के आ रहे हैं, एकदम माल लगना चाहिए तू आज। मैकबुक प्रो लेने जा रहा है, मैकबुक प्रो और पता कौन सा वाला किया है? एक 128 आता है, दूसरा कौन सा आता है? 512 वाला आता है, 512 वो वाला किया है। भाई साहब पागल हो गई लड़की है, 256 वाला भी कर लेती ना, तो मैकबुक प्रो में वो रहता है ना, मैकबुक प्रो था तो महंगा होना चाहिए, वो तो 16 लॉन्च नहीं हुआ था, वरना 16 ले लेती मैं तो अभी। बस बस चलो चलो लेके चलते हैं, रेडी हो जाते।